Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस टू का जो क्वेश्चन बैंक आया था उसके आंसर्स देखने वाले हैं. और इसके लिए जो है आप लोग सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और एक जो है रफ नोट ले लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँ वैसे वैसे जो है आप लोग आंसर्स लिखते जाएँ. दूसरी बात ये कि कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसके जो है मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक पर मिलेंगे, तो मैं आपको पेज नंबर पैराग्राफ बता दूंगी. आप लोग जो है वो उस तरह से अपनी बुक में हिदायत लिख दें कि इस पेज नंबर पर इस पैराग्राफ में आंसर मौजूद है, ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो. और मैं कोशिश करूँगी बहुत स्लो बोलने की. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फास्ट बोलते हैं, आप थोड़ा स्लो बोले, तो ठीक है, आई विल ट्राई टू गो स्लो. और आप लोग जो है वो साथ ही साथ में लिखते जाइएगा. सबसे पहले है सबक नंबर एक, तवारिस और इर्तिका. यहाँ जो है हमको दिया गया है सबसे पहले खानापूरी, हर एक के लिए एक नंबर है. एक नस्ल की हयाती खसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल डैश कहलाता है, तो ये अमल जो है वो तवारिस कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा. इर्तिका यानी डैश, इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. उसके बाद है दर्ज ज़ेल में से डैश आसारी उज़ू नहीं है, तो दम गुज़ा, अक्लदार और अपेंडिक्स जो है वो आसारी उज़ू है, छोटी आँच जो है वो इंसानी जिस्म का आसारी उज़ू नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा. ज़मीन के अंदर महफूज जानदारों के बाकियात डैश कहलाते हैं, ज़मीन के अंदर जो महफूज जो होते हैं बाकियात उन्हें रकाजात यानी फॉसिल्स कहा जाता है. अफ्रीका का डैश पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया है, रामापैथिक्स जो है वो पहला इंसान नुमा जानवर है. उसके बाद सवाल नंबर अलिफ का सवाल नंबर एक का बी है. एक सवालात हल करिए एक एक मार्क्स के लिए. पहला है मुतफर्रिक जुजू अलग कीजिए, इंसानी हाथ, झिंगुर का पर, बिल्ली का अगला पैर और वेल मछली का जाफा. तो जो झिंगुर का पर है वो जो है वो इसमें अलग होगा, क्यों? क्योंकि बाकी तीनों जो है वो तशरीही सबूत की मिसाल है. उसके बाद है दरमियानी कड़ी की एक मिसाल लिखिए, तो दरमियानी कड़ी की मिसाल आपको टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, तीन दी गई है, उसमें से आपको ये एक लिखे. पेरीपेटिस जो है वो हल्केदार और ज़ोरदार पैर वालों के बीच में दरमियानी कड़ी है. लिंग फिश जो है वो मछली और जल थलियों के बीच में जो है दरमियानी कड़ी है. पहले लफ्ज़ की जोड़ी को देखकर दूसरे लफ्ज़ की जोड़ी मुकम्मल कीजिए, कान के उजलात आसारी उज़ू में आते हैं, लिंग फिश जो है वो किस में आती है, सॉरी लंग फिश, तो आसारी उज़ू यहाँ यानी कि इर्तिका का सबूत दे रहा है, तो यहाँ पर लंग फिश जो है वो किस चीज़ का सबूत है, दरमियानी कड़ी का. सही है या गलत लिखिए, आपको सिर्फ सही या गलत बताना है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है उसका. गोरिल्ला और चिंपांजी का इर्तिका तकरीबन 1 करोड़ साल कबल हुआ, तो ये बयान जो है वो गलत है. इनका इर्तिका कुछ 2 करोड़ 50 लगभग 2.5 करोड़ साल पहले जो है हुआ था. नाम लिखिए तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोडान दरियाफ्त करने वाले हिंदुस्तानी साइंसदान. तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने तमाम 20 अमीनो एसिड्स के लिए जो है वो कोडान दरियाफ्त किया था, और उनको जो है 1968 में नोबल इनाम भी नवाजा गया था. उसके बाद है साइंसी वजूहात लिखिए. पेरीपेटिस को हल्केदार दूधे और जोरदार पैर वाले जानवर के दरमियान रबते की कड़ी कहा जाता है. इसका जो है मैं आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान दें कि अगर आपको यहाँ वजूहात में ये दिया है तो इसी चीज़ को हम जो है ऊपर जो दरमियानी कड़ी की मिसाल थी उसमें जो है हम ये आंसर लिख सकते हैं, तो आपको उसी पेज पर जो है उसका आंसर भी दिख गया है. अब इसका आंसर जो है आपकी किताब में पेज नंबर 7 पर जो टॉप पैराग्राफ है उसमें से मैं पढ़ रही हूँ. थोड़े पॉइंट्स आगे पीछे करेंगे, यानी पहले हम बताएंगे कि पेरीपेटिस में जो है हल्केदार दूधे और ज़ोरदार पैरों वाले के कौन कौन सी खसूसियात है. जैसे कि याद दिया है पेरीपेटिस में कविल जिसका जिस्म मोटी और नरम जिल्द और पिछले पैर जैसे आज़ा है. इसी तरह इस हैवान में ज़ोरदार पैर वाले हैवान की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौराने खून का निज़ाम जो है वो दिखाई देता है. उसी के आगे स्टेटमेंट दिया है इसी सबब पेरीपेटिस को जो है एनालिड और ज़ोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखा जाता है. यानी कि जो पेज नंबर 7 है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक का जो है वो आपका इस वजूहात का आंसर होगा. जल थलियों का इर्तिका मछलियों से हुआ है.
तो आपकी किताब में पेज नंबर 3 पर जो है इर्तिका का नज़रिया दिया है, उससे रिलेटेड जो हम ये आंसर बनाएंगे कि इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा जो है वो समंदर में पैदा हुआ था और फिर तमील मुद्दत के बाद इस मादे से यकुलवी जानदार की पैदाइश हुई। यकुलवी जानदार में मरहले और तब्दीली हुई जिसके नतीजे में बड़े और कवि जानदार जो है वजूद में आए और यही जानदार जो है फिर तरक्की करते करते ज़मीन पर पहुँचे। तो इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक जो है वो पहला हयाती मादा समुंदर से हुआ है, इसीलिए तमाम जानवरों का इर्तिका मछलियों से हुआ होगा। माँ बाप की चंद खसूसियात उनके बच्चों में दिखाई देती है। सो इसका आंसर पेज नंबर 2 पर किताब में 1.3 नोई तबद्दुल की जो शक्ल दी है उसके बाजू वाला पैराग्राफ है। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगले नस्लों में मुंतकिल होते हैं, इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालदैन की खसूसियात भी उनमें दिखाई देती है। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस्तिलाहात की तारीफ लिखिए। 2 मार्क का है, एक पर जो है मतलब एक तारीफ पर 1 मार्क्स और दूसरी तारीफ पर 1 मार्क्स होगा। पहला है नोई तबद्दुल, जिन्यातिक मादों में अचानक और शदीद तौर पर होने वाली तब्दीली को नोई तबद्दुल कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन राइबोसोम के mRNA पर उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही ट्रिपलेट कोडान फासले के हिसाब से सरकने के अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है दरमियानी कड़ी से क्या मुराद है, तो इसका आंसर जो है वो वहीं पर जहाँ हमने अभी वजूहात टिक की थी वहाँ पर होगा। पेज नंबर 7 पर जो ऊपर एकदम टॉप पैराग्राफ है वो जो है इसका आंसर होगा। उसमें जो है एक्सप्लेन भी किया है प्लस उसकी जो है वो 2-3 मिसालें भी बताई। आपको 2 लिख दिए, वहाँ 3 मिसालें बताई गई थी, आप वहाँ से जो है वो अपने सहूलत के हिसाब से जो है वो ले सकते हैं मिसाल। उसके बाद आता है हमारा डार्विन के कुदरती इंतखाब का नज़रिए के कोई 2 अहम एतराज़ात लिखिए। तो पेज नंबर 7 पर आप आए, आपको नीचे साइड हेडिंग मिलेगी डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। आप सबसे पहले जो है वो 2-3 लाइन में जो है वो ये बता देंगे कि डार्विन का जो कुदरती इंतखाब का नज़रिया है वो क्या था। अब यहाँ पर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसमें से जो है वो अपने हिसाब से पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, वो जो है वो कुछ एतराज़ात थे जो उसके कुदरती इंतखाब के नज़रिए पर उठाए गए थे, तो आप जो है वो एक्सप्लेन करने के बाद इन 3 एतराज़ को लिख देंगे। उसके बाद है जदीद जो है जदोल मुकम्मल करना है, जदीद जानदारों का ज़माना। तो जो है इर्तिका का पैराग्राफ सबक के आखिर में पढ़ रहे थे, उसमें जो है बताया गया है कि 5000 साल कबल जो है वो जदीद इंसान जो है शुरू हुआ था, जदीद इंसानों का दौर, और जल थलिए और मछलियाँ इन दोनों की जो दरमियानी कड़ी है वो है लंग फिश। उसके बाद है मुख्तसर नोट लिखिए डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। तो इसका आंसर सेम जो अभी हमने ऊपर लिखा था वही होगा, बस ये है कि इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो पेज नंबर 7 में जो पूरा पैराग्राफ दिया है आप वो जो है रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्जन सवालों के जवाब लिखिए हर एक के लिए 3 नंबर। हालिया दौर में तवारसी साइंस किस तरह कारामद है लिखिए। इसका जवाब आपकी किताब में पेज नंबर 1 पर जो आपको तवारुस और तवारसी तब्दीलियाँ दी है वहाँ पर है। आपको पहले बतानी है डेफिनेशन की तवारुस क्या होता है, उसके बाद आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री देनी है कि तवारुस का इर्तिका किस किस तरह हुआ, और फिर जो मेन आपका आंसर है जो आपको पेज नंबर 1 पर बताइए तो भला का छोटा सा लाइन दिख रही है उसके ऊपर आपको दिया है उसके इस्तेमाल, जिन्हियाती नकायस की तशखीस, रोकथाम और इलाज, नेज हैवानी नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए खुर्दबीनी जानदारों को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सनती अमाल के लिए जिन्हियात का इस्तेमाल होता है। हमको चूँकि इस्तेमाल कम दिए हैं और हमको 3 मार्क का आंसर लिखना है, इसलिए हम पहले थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे उसकी एक, उसके बाद जो है हम लिखेंगे कि उसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री क्या थी, यानी किस किस तरह से इर्तिका होता गया, तरक्की होती गई, और फिर जो है हम उसके इस्तेमाल लिखेंगे। इस तरह से आंसर हमको बनाना पड़ेगा। सो आप उसके लिए पेज नंबर 1 रिफ़र करिएगा। दर्जल वेब खाका मुकम्मल कीजिए। सबसे कॉमन जो है वेब खाका इतने टाइम से जो पूछा जा रहा है, इर्तिका के सबूत, इर्तिका के सबूत हम जानते हैं, तशरीही सबूत है, रकाजी सबूत है, और दरमियानी कड़ी है, आसारी आज़ा है, शक्लियाती सबूत है, और जिनियाती सबूत है। उसके बाद है कार्बनी पैमाइश जमा की वजाहत कीजिए। तो पेज नंबर 6 पर आप आएँ,
शक्ल 1.8 के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको पूरा कार्बनी पैमाइश जमा को बताया गया है। पहली चार लाइन में जो है उसने एक्सप्लेन किया है कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, और फिर लास्ट की तीन लाइन में उसने ये बताया है कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो आप जो है वो ये पैराग्राफ लिखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन में इम्तियाजी फ़र्क लिखिए। कोई तीन नुकात आपको दिया है, कोई तीन पॉइंट्स लिखने, तो कोई तीन इसमें और कोई तीन इसमें, इस तरह से हमको लिखना है। सो इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन में जो हम तीन पॉइंट लिखेंगे, पहला होगा कि पहले जो है उसकी डेफिनेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन अमल में डीएनए के सालमे पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के तवातर की नकल को एमआरएनए के जरिए खुली हमायत तक ले जाई जाती है। फिर सेकेंड पॉइंट होगा ट्रांसक्रिप्शन का अमल खुलिए के मरकजे में अंजाम पाता है। फिर थर्ड पॉइंट होगा ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान डीएनए से आरएनए तैयार होता है। अब जो है हम ट्रांसलोकेशन पर आएंगे, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन होगी राइबोसोम के एमआरएनए पर उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडान फासले के हिसाब से सरकने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलोकेशन का अमल खुली हमाए में अंजाम पाता है। फिर थर्ड पॉइंट होगा ट्रांसलोकेशन के अमल में अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार की जाती है। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद है लेमार्क का नज़रिए की मुख्तसर वजाहत कीजिए। तो लेमार्क का नज़रिया, लेमार्किज्म जो है वो आपकी किताब में पेज नंबर 8 पर मौजूद है। एक्सप्लेनेशन और उसमें काफ़ी सारी मिसाल है, आप लोग जो है अपने हिसाब से मिसाल उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। रकाजात का मुताला इर्तिका का एक अहम जुज़ है, इस बयान की वजाहत कीजिए। तो इसके लिए जो है आप लोग पेज नंबर 5 और 6 रेफ़र करेंगे। पेज नंबर 5 पर आपको नीचे जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी कि रकाजात क्या होते हैं, और फिर हम बताएंगे कि सैलाब, जलजले, आतिशफिशा, ख़ासकर आतिशफिशा के फटने पर जो है वो कई जानदार जो है वो ज़मीन में, मतलब उनके बाकिया ज़मीन में जो है वो रह जाते हैं, और फिर बाद में जो है जब जो महकमा सारे कदीमा है वो खुदाई के दौरान जब उन्हें दरियाफ्त करता है तो उससे जो है हमको उस जानदार के बारे में जो है मालूमात मिलती है। प्लस जो है कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम पता कर लेते हैं कि वो जो है वो किस जमाने का होगा या किस दौर का होगा। उसके इस्तेमाल इल्म रकाजात और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाजात दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर कर लिया जाता है। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए, यानी ये जो ज़माना मुकर्रर किया जाता है उसके ज़रिए रकाजात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें जो है ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदोल में तरतीब देकर उस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। नेज़ हम ये भी देख सकते हैं कि इंसान का या किसी भी जानदार का इर्तिका जो है वो किस तरह से हुआ है। इसलिए रकाजात का मुताला इर्तिका का एक अहम जुज़ है। ये जो भी मैंने आंसर पढ़ी, ये पेज नंबर 5 और 6 पर जो पैराग्राफ्स है उसी में से मिला जुला के जो है वो बताए गए। उसके बाद लास्ट है 5 नंबर के लिए एक सवालात, इंसानी इर्तिका की तफसीली मालूमात लिखिए। अब 5 मार्क के लिए आप इर्तिका को कितना लिखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप ध्यान दें कि आपको इसको डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले जो है वो आपकी पेज किताब में जो है वो पेज नंबर 3 पर इर्तिका पूरी डिटेल दी गई है, तो वहाँ से आप पहले उसकी डेफिनेशन उठाएंगे कि इर्तिका यानी मरहले वाल तरक्की या अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की को जाहिर करने वाला है। इर्तिका के ताल्लुक से खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदार में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप लोगों को नज़रिए इर्तिका दिया है, वो उतना बड़ा ना लिखते हुए आप जो है वो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, या फिर जो पहली 5 लाइन है उतना भी आप जो है लिखेंगे तो इनफ होगा। और उसके बाद जो है हम कहेंगे कि इर्तिका में जो है वो इर्तिका के सबूत दिए गए हैं जो मंदरजा ज़ेल है, और उसमें जो है हम 6 सबूत जो है वो बता देंगे, और सबकी जो है वो एक एक लाइन में या 2 से 2 या 2 से 3 पॉइंट जो है मैक्सिमम आपको एक्सप्लेनेशन देना है। बस आपने बताना है कि वो क्या है और उसकी मिसाल क्या है। तो इस तरह से हमारा ये 5 मार्क का आंसर जो है वो कंप्लीट होगा, डेफिनेशन, हिस्ट्री और फिर उसके सबूत, इस तरह से। नेक्स्ट आता है सबक नंबर 2, जानदारों में हयाती अफाल, हिस्सा 1। सबसे पहले हमको खानापूरी दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से हमें डैश तवानाई हासिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो हासिल होता है।
इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल डैश में अंजाम पाता है, तो इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीर यानी ETC तामुल जो है वो तवानीय में अंजाम पाता है, जिसमें डैश तैयार होने की वजह से हम थकन महसूस करते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान महसूस होती है। अमीनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालमा यानी एक बड़ा सालमा जो बनाते हैं उसे डैश कहते हैं, उसे प्रोटीन कहते हैं। खुले की दीवार तैयार करने के लिए फास्फोलिपिड नाम के सालमात की ज़रूरत होती है। उसके बाद है सही या गलत, लिखिए सिर्फ लिखना है। मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी नहीं, मंदरजा वाला जुमला जो है वो गलत है। मसावी तकसीम जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। FADH2 का पूरा नाम लिखिए। तो FADH2 और जो है वो NADH2 दोनों का जो नाम था वो आपकी किताब के पेज नंबर 14 पर दिया गया है। FADH2 जो है वो फेक्विन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड है और NADH2 यानी निकोटेनाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लाइड। तो वहाँ से आप स्पेलिंग बराबर देख के लिख लीजिएगा। पहली नस्बत को देखते हुए दूसरी नस्बत लिखिए। जिल्द का अगर कैरेटीन होगा तो हड्डियों का क्या होगा? हड्डियों का होगा आसिन, और इसके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 16 पर शक्ल 2.4 जो है आप लोग देख लीजिएगा। मुतफरिक जुज अलग कीजिए, एल्कोहल, सिरका, पायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो इसमें जो है पायरिक एसिड अलग होगा। मुनासिब जोड़ी लगाइए, शकर पाशीदगी में सब्ज मायना या प्लाज्मा झिल्ली। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बट मेरे ख्याल में सब्ज मायना आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये शक्ल दी गई है हमको जो कि क्रेप चक्कर की है, और ये शक्ल आपको मिलेगी अपनी किताब के पेज नंबर 14 पर शक्ल 2.2 में। अब यहाँ पहले पूछा है दी गई शक्ल में कौन से कोएंजाइम दिखाए गए हैं, तो क्रेप चक्कर में जो है हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए तैयार होता है, तो वो जो है दिखाया गया है। शक्ल कौन से अमल को जाहिर करती है? शक्ल जो है वो क्रेप चक्कर को जाहिर करती है। क्रेप चक्कर या ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड दौर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दी गई शक्ल का मुशाहदा करके सवाल का जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में ये ऊपर वाले के लिए सवाल था। और उसके बाद दर्जन इस्तिलाहात की तारीफ बयान कीजिए। आपको दिया है खुलवी तनफ्फुस और आपको बताना है तखमीर। तो पहले जो है आप खुलवी तनफ्फुस की लिखिए। खुलिए में ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से ग्लूकोज और दीगर गिजाई मादों की तकसीद होने के अमल को खुलवी तनफ्फुस कहते हैं। अगर आपका मिस हुआ है तो वीडियो ज़रा से जो है बैक करके आप लोग लिखिए, लेकिन डेफिनेशन सिंपल है तो आप लोग ये रेफर कर सकते हैं। तखमीर है ग्लाइकोलाइसिस अमल के दौरान तैयार होने वाले पायरिक एसिड को खामरों की मदद से दीगर नामियाती तेजाब या अल्कोहल में तब्दील होने वाले अमल को अमल तखमीर कहते हैं। उसके बाद आता है मसावी तकसीम में दरमियानी हालत को मुख्तसर वाजे कीजिए। तो सफ़ा नंबर 18 पर आपको जो है मसावी तकसीम के सारे मराहिल दिए गए हैं, उसमें जो है बे है हमारा मेटाफेज, आप जो है उस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा। उसके बाद है दर्ज ज़ेल पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। आपको जो है एक पैराग्राफ दिया है और उसमें जो है खाना पूरी करके दी गई है, आपको उसको फिल करना है। ये पैराग्राफ कहाँ पर दिया है? पेज नंबर 17 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, मतलब जो खुलवी तकसीम में लाजमी हयाती फेल है उसका जो है ये सेक्शन दिया गया है। डैश खुलिए की और जानदारों की अहम खसूसियत है, तो खुलवी तकसीम खुलिए और जानदारों की अहम खसूसियत है। इसकी वजह से कसीर खुलवी जानदार के जिस्म में डैश हो सकती है, तो कसीर खुलवी जानदार के जिस्म में नशोनुमा हो सकती है। इसकी दो खास किस्में मसावी तकसीम और डैश है, तकलीली तकसीम और मसावी तकसीम है। मसावी तकसीम जिस्म के डैश और डैश में अंजाम पाती है, तो मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खुलिए और साख खुलिए में अंजाम पाती है, जबकि तकलीली तकसीम डैश में होती है। तकलीली तकसीम जो है वो जिनसी खुलिए में होती है। ये सब जो है पेज नंबर 17 के लास्ट पैराग्राफ में जो है बताया गया है। किसी भी किस्म की खुलवी तकसीम में पहले खुलिया अपने मरकज़ में मौजूद क्रोमोसोम की तादाद दुगनी करता है, तो ये जो है वो हमारे लिखा हुआ स्टेटमेंट है। ATP खुलिए की तवानाई की करेंसी जाहिर करने के लिए शक्ल बनाकर उसे नामजद कीजिए। तो ATP की शक्ल जो है ना आपको पेज नंबर 14 पर मिलेगी। ATP तवानाई जंजीर शक्ल 2.3 वो जो है बनानी है। उसके बाद है दर्ज रवा खाका मुकम्मल कीजिए। ये रवा खाका है पेज नंबर 15 पर। रोगनी मादों के नीचे आएगा रोगनी तेजाब, शकर पाशीदगी के ऊपर आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के नीचे आएगा अमीनो एसिड। उसके बाद शकर पाशीदगी के नीचे वाले बॉक्सेस देखें,
शुगर पाचित के फौरन बाद होगा पायरविक एसिड, उसके बाद होगा एसिटिल कोएंजाइम ए, उसके बाद होगा क्रेब चक्कर और फिर CO2H2O एनर्जी तो दी हुई है। फाकाकशी और भूखमरी जैसे हालात में तवानाई किस तरह हासिल की जाती है, तो ये जो है वो आपको जो है एक्सप्लेनेशन पे नंबर 15 पर आपको जो है शक्ल वगैरह के हिसाब से दी गई है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जो आपको बनाना पड़ेगा बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से सुनिए। फाका कशी और भुखमरी या भूखड़ताल की वजह से जिस्म को कम मिकदार में गिजाइजा और तवानाई हासिल होती है। इस किस्म के हालात में जिस्म में जखीरा किए हुए कार्बोहाइड्रेट मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वक्त में जो जिस्म के मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन होते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। चर्बी या रोगनी मादे जो है वो रोगनी तेजाब में और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में तब्दील किया जाता है। फिर रोगनी तेजाब और अमीनो एसिड दोनों को जो है एसिटल कोएंजाइम ए में तब्दील किया जाता है और एसिटल कोएंजाइम ए में कई सिलसिलेवार क्रेब चक्कर तालमूलात के जरिए तकसीद होती है और सालवाद की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है ये पेज नंबर 15 पर जो आपको ग्रीन वाला चार्ट दिख रहा है उसके मुतालिक है, यानी उस पर बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसी जो है पैटर्न को फॉलो करके जो है भुखमरी फाका कशी या इवन डाइटिंग में भी जो तवानाई हासिल की जाती है वो इसी चीज़ को फॉलो की जाती है। उसके बाद है मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम में फ़र्क लिखिए। तो ये जो है पहली बात तो ये टेक्सुअल क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमको सिर्फ तीन नुकात लिखने हैं, लेकिन अगर आपको पूरा फ़र्क देखना है तो आप लोग जो है Q&A वाली वीडियो में जो है वो जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम में फ़िलहाल जो हम जो है बेसिक फ़र्क देख लें तो मसावी तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती है, लेकिन तकलीली तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद निसफ हो जाती है। मसावी तकसीम में एक खुलिए से दो दुख्तर खुलियात पैदा होते हैं और तकलीली तकसीम में एक खुलिए से चार दुख्तर खुलियात पैदा होते हैं। मसावी तकसीम जो है जानदारों की नशोनुमा और बालिदगी के लिए इस्तेमाल है या बहुत ज़रूरी है और जिनसी तौलीद के दरमियान जज और बुजुर्गों के बनने के लिए तकलीली तकसीम ज़रूरी है। तो ये जो है मेन तीन पॉइंट्स हमने बता दिए। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे क्यों कहते हैं? अब इसका अगर हम जवाब लिखें ना तो ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो पहले हम बताएं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, पेज नंबर 13 पर दिया गया है। उसके बाद जो है हम लोग कहेंगे जो पेज नंबर 15 पर आपको ऊपर येलो बॉक्स दिया है उसमें से लेंगे कि शकर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस तामुल को गिस्ताव एम्बिडेन ऑटो मेयरहाफ और जेके पारनास नामी तीन साइंसदानों और उनके मुआविनीन ने किया था। इसके लिए उन्होंने उजलात पर तजुर्बा किया, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस तामुल को एम्बिडेन मेटरहाफ पारसनाथ पाथवे यानी EMP पाथवे भी कहते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 13 पेज नंबर 15 में लाकर लिखना है, मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना है, इसीलिए हम जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है 5 मार्क के लिए जवाब, किस खुलिए को तवानाई की करेंसी कहते हैं, तफसील से वजाहत कीजिए। तो जो है पेज नंबर 14 पर एक शक्ल 2.2 के नीचे एक बॉक्स है ATP हेडिंग के साथ, वो जो है इसका आंसर होगा। और जो है अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये आंसर तो बहुत छोटा है तो आप लोग वो नीचे की शक्ल भी बना लीजिएगा। प्रोटीन कैसे हासिल किए जाते हैं, प्रोटीन के अज्जा क्या है, पेज नंबर 16 मुख्तलिफ गिजाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई साइड हेडिंग के नीचे आपको पैराग्राफ मिलेगा प्रोटीन के मुतालिक, 4 लाइन का पैराग्राफ है। उसके बाद जो है वो आपको पर्पल कलर का जो बॉक्स दिया है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में भी जो है वो प्रोटीन के मुतालिक बताया गया है और जो शक्ल 2.4 है वो भी प्रोटीन के मुतालिक है। तो आप जो है वो शक्ल 2.4 को सेंटेंस में या बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। अब आते हैं सबक नंबर 3, जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा दुअम। जिनेन की तनसीब डैश उजू में होती है तो रहम में होती है, बुजरादान के जौफ में डैश तकसीम की वजह से बुजरे बनते हैं तो तकलीली तकसीम के ज़रिए, इंसानी मनविया की तैयारी डैश में होती है फोतों में, इंसानों में डैश क्रोमोसोम नर जानदार की जिन्स का तायुन करते हैं तो जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो नर का जो है तायुन करते हैं और एक्स क्रोमोसोम औरतों का मतलब मादा का। जिस्म के कई टुकड़े होने के बाद टुकड़ा एक जानदार बनकर ज़िंदगी गुजारने लगे तो उस किस्म की तौलीद डैश कहलाती है, तज्जिया कारी कहलाती है। उसके बाद है जोड़ियाँ लगाइए, हर एक के लिए एक नंबर है। तज्जिया कारी जो है वो किस में होती है, तो तज्जिया कारी साइकॉन में होती है और उफ की तकसीम दो ही जो है वो पैरामीशियम में होती है।
सही या गलत पहचानिए, मनी यानी सेमन में ग्लूकोज नामी शक्कर मौजूद होती है, ये बयान गलत है, इसमें जो है फ्रिक्टोज नामी शक्कर मौजूद होती है। इसके बाद है ऑड वन आउट, मूली, गाजर, आलू और शकरकंद, तो आलू होगा क्योंकि बाकी जो है वो जड़ में जो है पैदाइश होती है, लेकिन आलू जो है वो तना वाला है। नाम लिखिए गैर जिनसी तौलीद के तरीके, तो गैर जिनसी तौलीद की मिसाल में सादा तकसीम, दोई, खुलियाओ, बास पैदाइश, तज्जियाकारी, गुंचाकारी, नबाती अफजाइश बहुत से आते हैं, आप दो से तीन नाम भी लिखे तो इनफ होगा। साइंसी वजूहात लिखिए, हर एक के लिए दो नंबर है। नबातात में फूल जिनसी तौलीदी अमल की अफाली इकाई है, इसका आंसर इस तरह होगा कि फूल में नर और मादा दोनों जज्जे तैयार होते हैं, इस मकसद के लिए फूल में नर कोट और मादा कोट के लाजमी हल्के मौजूद होते हैं। फूल में दौरी बराबरी का अमल होता है, फूल से ही बीज और फल भी तैयार होते हैं, इसीलिए फूल जो है वो नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की अफाली इकाई है, यानी सारे काम जो है फूल से ही इंटर रिलेटेड है। इसीलिए जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नौमौलूद में हमेशा दोनों वालदैन के जीन मौजूद होते हैं, तो जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा दोनों के इकहरे ज़ुवाज से मिलाप करके दुगना जुफ्ता तैयार होता है। इसी तरह जुफ्ते में दोनों वालदैन के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं जो नर और मादा ज़ुवाजों के जरिए उसमें मुंतकिल हो जाते हैं। ज़ुवाजों की तैयारी के दौरान तकलीली तकसीम का अमल होता है जिसमें जिन्नियाती मिलाप होता है, इसीलिए जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नामौलूद में हमेशा दोनों वालदैन के जीन मौजूद होते हैं। नबातात में दोहरी बराबरी का अमल होता है, तो इसका जो है आंसर होगा, आप लोग जो है वीडियो पॉज कर करके जो है वो आंसर लिखते जाइए, और अगर स्किप हुआ है तो थोड़ा सा बैक करके देखते जाइएगा। अमले जेरगी के बाद फूल के बजरे मादा कोट की कुलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ उपजने लगते हैं। इनके खुलियात में दो नर ज़ुवाजे और एक लंबी जेरा नली तैयार होती है। जेरा नली नायगुल से गुजरकर जननी थैली तक दोनों नर ज़ुवाजों को ले जाती है। जेरा नली के फटने से दो नर ज़ुवाजे आज़ाद हो जाते हैं, इनमें से एक नर ज़ुवाजा बैस खुलिया से मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है, जबकि दूसरा नर ज़ुवाजा दो कुतबी मरकजों से मिलाप करके दर तखम तैयार करता है। चूंकि बराबरी के इस अमल में दो नर ज़ुवाजे हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इसे जो है दोहरी बराबरी कहते हैं। उसके बाद है नाम लिखना है, मदद सवाल के जवाब लिखिए, हर एक के लिए दो नंबर। पहला है कोई दो जिनसी बीमारियों के नाम लिखिए, तो कोई दो जिनसी बीमारी आतिशिक और सुजाक आप लिख सकते हैं। जिनसी और गैर जिनसी तौलीदी अमल में फ़र्क, तो आपकी किताब में पेज नंबर 34 पर जो मश्क का पहला सवाल है वो जो है फ़र्क ही दिया गया है, तो आप लोग जो है वही चीज़ इसमें लिख सकते हैं। IVF मसनूई बराबरी के तरीके की वजाहत कीजिए, IVF का जो वजाहत है पेज नंबर 32 पर, साइड हेडिंग है तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, उसका जो है फर्स्ट साइड हेडिंग है मसनूई बराबरी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वो जो आप लिख लीजिए। प्याले गुल और ताज गुल के अफाल बयान कीजिए, तो ये जो है पूरा जो अफाल बयान करने वाला सेक्शन जो है वो हमारा पेज नंबर 26 पर है, जो शक्ल 3.12 है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ये चीज़ें बताई गई हैं। नबाती अफजाइश नस्ल की वजाहत कीजिए, पेज नंबर 25 ऊपर से सेकंड साइड हेडिंग है नंबर 4 नबाती अफजाइशनल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो जो है इसका आंसर होगा। आप लोग पेज नंबर लिखते जाए, बाद में किताब से जो है वो चेक कर लीजिएगा। बंदजे जेल शक्ल में म्यूकर की नई कॉलोनियाँ किस तरह बनती है, ये जो है सवाल नंबर 3 के पहले का एक क्वेश्चन है। तो ये जो शक्ल है हमको यहाँ जो दी गई है ये 3.11 शक्ल है पेज नंबर 25 पे, तो उस शक्ल के बाजू में जो है पैराग्राफ भी दिया है कि म्यूकर जैसी फफूंद का जिसमें रेशेदार होता है इसमें बुजरादान होता है, बुजरादान में बुजरे तैयार होने के बाद बुजरादान फट जाता है और बुजरे आज़ाद होकर गर्म मरतूब मकाम पर उपजते हैं और उनसे नया फफूंद तैयार होता है, तो वो जो है इसका आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 1 का बी दिया गया है कि बराबरी की तारीफ लिखिए, तो बराबरी की तारीफ आप लोग लिखिए, जिस अमल में नर और मादा के इकहरे ज़ुवाजों के मिलाप से एक दुगना जुफ्ता तैयार होता है उसे बराबरी कहते हैं। उसके बाद है मंदाजेल शक्ल में से ABC निशान करदा हिस्सों के नाम और अफाल लिखे, तो ये जो है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पर इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम, और वहाँ पर जो है आपको नामजद जो है नाम भी मिल जाएंगे और उसके बाजू के पैराग्राफ में जो है वो उसके
काम भी मिल जाएंगे। मुख्तलिफ मुआलजाती जांचों के बावजूद बेशुमार ज़ौजीन औलाद से महरूम रहते हैं, इस हालत में आप कौन सी इंसदादी तदाबीर तजावीज करेंगे? तो इसके लिए जो है हमको इस तरह का एक सवाल हमको किताब में भी जो है दिया गया था कि टेक्नोलॉजी जो है इंसान के लिए बहुत मुफीद है, इस बयान की हिमायत करनी थी। तो पेज नंबर 32 पर जो तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी है वो जो है पूरा, मतलब उसके बाद जो चार लाइन का पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन जाएगा, और उसके बाद तरीके यहाँ दिए हैं, IVF दिया है, सरोगेट मदर दिया है, स्पर्म बैंक दिया गया है, तो ये सब जो है आपको उसमें बताना है। या कुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी टेक्स्चुअल है जिसका आंसर हमको पेज नंबर 23 और 24 पर जो है मिल जाएगा आपको। या खुलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद साइड अर्निंग है, उसमें तकसीम दो ही है, कसीर तकसीम है, उसमें कुलियाव है, ये तीनों आपको बताने हैं। माहवारी किसे कहते हैं, मुख्तसर मालूमात दीजिए, पेज नंबर 31 पर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई थी, ये चीज़ कि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जैसे कि जो है वो रिड्यूस पोर्शन में से या जो रिड्यूस सेक्शन है उसमें से जो है पूछे गए, तो जो रिड्यूस सेक्शन है उस वो जो है नहीं आने वाला है, तो आप लोग जो है नहीं पढ़िए। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है तो आप लोग उसको रीड कर लीजिए, ताकि जो है अगर छोटे छोटे मार्क्स के लिए आए तो आप लोग जो है वो लिख सके, और अगर आपको पढ़ना है तो दैट्स अप टू यू, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मंदाजल सवालों के जवाब लिखिए हर एक के लिए 5 नंबर, या आप यहाँ एक एक मार्क्स के जो है, मतलब ये जो है सवाल ओवरऑल 5 मार्क का, सवाल नंबर 4 का पहला 5 मार्क का होगा, लेकिन उसमें जो है एक एक मार्क्स के क्वेश्चन डिवाइड कर दिए गए। नबातात में जिनसी तौलीदी फेल अमल की अफाली इकाई कौन सी, तो ये जो है पेज नंबर 26 में जो पूरा सेक्शन दिया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फूल जो है वो जिनसी तौलीदी अमल की अफाली इकाई है नबातात में। दो जिनसी फूल से क्या मुराद है, तो पेज नंबर 26 पर नीचे से तीसरी लाइन में दिया है, अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हो तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। प्याले गुल का फेल लिखिए, तो प्याले गुल जो है वो नबातात के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। ताज गुल का फेल लिखिए, ताज गुल जो है वो जेरगी के लिए कीड़े मकोड़े फूल को जो अपनी जानिब कशिश करता है, और ये भी अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करता है। अमले जेरगी के हयाती जराए कौन से हैं, अमले जेरगी के हयाती जराए में जो है हयाती और गैर हयाती दोनों भी आते हैं, तो हयाती में जो है वो कीड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर आएंगे, और गैर हयाती में पानी और हवा होता है। दर्ज़ेल आज़ा के अफ़ाल लिखिए, तो इसमें जो है वो सबसे पहले है फोते, फोते का जो अफ़ाल है वो है मनवीय और नर महरकाब टेस्टोस्टेरोन पैदा करना। उसके बाद बेजा दान जो है तो बेजे तैयार करना, और मादा महरकाब एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रॉन तैयार करना। ये सब जो नाम अगर आपको नहीं लिखना है तो आप किताब रेफ़र करें, आपको जो है उसमें मिल जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद है रहम, हमल के दौरान जिनीन के नशोनुमा और बालिदगी, बच्चे की पैदाइश के वक्त सुकड़ना और बाहर धकेलना, और लास्ट है मनवी कैसा, तो इसका जो काम है वो है मनवी रतुबत का अफराज, जो मनी का बड़ा हिस्सा है, मनवियों को तगजियाती मादे मुहैया कराना। उसके बाद है दर्जेल में कौन से तरीके की गैर जिनसी तौलीद होती है, यानी आपको जो है वो मिसाल यहाँ दी गई है और आपने बताना है कि इसमें जो है वो किस किस्म की तौलीद का अमल जो है वो अंजाम पाता है। तो सबसे पहले स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा में जो है तज्जियाकारी होती है। उसके बाद प्लानेरिया दिया है, तो प्लानेरिया में बास पैदाइश होती है। उसके बाद जो है हमको दिया गया है हाइड्रा, हाइड्रा में कुलियाव या गुंचाकारी जिसे बडिंग कहते हैं वो होती है। आलू में जो है नबाती अफजाइश नस्ल होती है। और जो लास्ट हमको दिया है पाओ में, तो पाव जैसी चीज़ों में मेरे ख्याल में बुजुर्गों का बनना जो स्पोर फॉर्मेशन है वो जो है होता है। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो, ये जो हमारा पार्ट वन है, पार्ट टू में इंशाल्लाह वेरी 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 सून आई अपलोड दैट, एंड टिल देन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा, एंड अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।